माजिद हैदरी। अमीश भाई मैं कहां जाऊं, होता नहीं फैसला। एक तरफ बागेश्वर धाम, दूसरी तरफ संविधान। सबसे पहले तो मैं मौलानाओं का हृदय से स्वागत करता हूं और शुक्रिया प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात की, क्योंकि देखिए जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो या तांत्रिक विद्या से धर्म परिवर्तन हो, दोनों चीजें असंवैधानिक हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि बागेश्वर धाम से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी बन चुकी है। और जहां तक माननीय बागेश्वर महाराज जी ने बात कही है कि हिंदू राष्ट्र कहां बने, माननीय बागेश्वर महाराज जी, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। अगर आपको वहां पे भी बराबर नहीं, नहीं, नहीं है, तो मंगल ग्रह के लिए मंगलयान बन रहा है। अच्छा नहीं, भारत क्यों नहीं बने? देखें मंगल ग्रह के लिए मंगलयान बन रहा है, आप कृपया मंगल ग्रह पे चले जाइए, पूरा मंगल ग्रह बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र आराम से रहिए अपने सारे वहां पे। अरे मंगल नहीं, भारत नहीं बनेगा। लोगों को लेके, डायबिटीज को लेकर, आप बागेश्वर धाम को मंगल ग्रह बोलिए भेजना चाहते हैं। संविधान अंबेडकर का संविधान है। देखें देखें ये असंवैधानिक बात। देखें मुझे पहले, मुझे शर्म आती है, मुझे अपने भाइयों को, राष्ट्रवादी भाइयों को याद दिलाना पड़ता है कि पीके पिक्चर में आमिर खान ने क्या कहा था। ये रॉन्ग नंबर होते हैं सब, पता है हमें, सब रॉन्ग नंबर होता है। हमने देखा है एक टाइम पे बाबा आसाराम भी थे, एक तरफ पे बाबा नित्यानंद भी थे, एक तरफ पे बाबा राम रहीम भी थे। मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू भाइयों, कृपया ऊपर वाले से मांगो, इधर इन ऐसे धामों पर ना जाओ जो देश को। जाकिर नायक का भी नाम ले लीजिए, जाकिर नायक का भी नाम लीजिए ना। जाकिर नायक ने कभी तांत्रिक विद्या से किसी का हृदय परिवर्तन नहीं किया, जैसा कि वहां पर हो रहा है। वो धर्म परिवर्तन कर रहा था, पूरा विश्व देख रहा है कि तांत्रिक विद्या काला जादू होता है, काला जादू। ओके रशीदी साहब, जी रिजवान साहब, रिजवान अहमद, आप अपनी बात को रखिए, देन बेचारे डॉक्टर जाकिर नायक आपको आज भी याद पड़ गए। रिजवान अहमद बेचारे डॉक्टर जाकिर नायक आज भी आप उनका पीछा नहीं करते। रिजवान अहमद को सुन लो, वो भी डॉक्टर है, इलाज करना जानते हैं। तुम बोलते बहुत हो। हाँ अमीश भाई वो बात कट गई थी, उसका जवाब नहीं मिला कि गैर मुस्लिम मुल्कों में जमातों को खुला घूमने का अधिकार है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में गैर मुसलमान अगर घूमेगा तो गला काट दिया जाएगा। पहली बात तो खुश ना हुआ करो कि लोग इस्लाम कबूल रहे हैं। इस्लाम इसलिए कबूल रहे हैं क्योंकि उन मुल्कों ने ये आजादी दी है कि तुम उनके मुल्कों में आके अपना मजहब फैलाओ, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, जिसको बागेश्वर धाम के मुसलमानों से ज्यादा प्रॉब्लम है वो खुला बोले कि अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन और सूफियों के मजारों पर भी हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, दोनों तरफ की बात करो। नहीं नहीं नहीं, हम तो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, आप सुनिए बात, हिंदू राष्ट्र की सुनिए बात। दूसरी, अरे चुप रहे कश्मीर के जाहिल, मैं बोल रहा हूं ना कश्मीर के जाहिल, चुप रहे, मैं बोल रहा हूं ना जाहिल। जब तू बोल रहा था मैं बोल रहा था क्या? कोई बदतमीजी करे भगवा मुसलमान इस मंच पे बदतमीजी करे, मैं देशवासियों से कहूंगा कि हमें बागेश्वर धाम से सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, देश को, देश को बागेश्वर धाम से दूर रखना है। नहीं तो ठीक है, आपने भी बात को रख लिया, 30 सेकंड सुन लीजिए, रिजवान अहमद को सुन लीजिए 30 सेकंड। जाहिल को चुप कराओ, अरे जाहिल को चुप कराओ। हाँ। देखे रिजवान साहब, थोड़ी तमीज सीख ले, अगर बचपन में नहीं सीखी आप सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूँ। जाहिल चुप, कश्मीरी जाहिल चुप, चुप चुप। देखे तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, अमीर भाई बात करो। शुक्र है मेरे सामने नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की अगर बात है, हिंदू राष्ट्र की तो सुनिए, वरदान एक बार मिलता है मुसलमानों को, इस्लामी मुल्क का वरदान एक बार मिल गया, बन गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, बार बार नहीं मिलेगा। अब की बारी सिर्फ हिंदुओं की है भाई। ये जो मेरा भाई जो ये वसीम रिजवी इन द मेकिंग है, अरे वसीम रिजवी सुनो, अरे सुनो वसीम रिजवी बात सुनो मेरी, वसीम रिजवी बात सुनो, अब बात सुनो, मर्यादा मर्यादा में बात करें हम लोग, बात सुनो, भेज दूंगा वसीम रिजवी, बात सुनो वसीम रिजवी, बात सुनो पहले। देखो वसीम रिजवी मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, वसीम रिजवी मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। अभी फौज नहीं, एक सेकंड रिजवान अहमद मेरा निवेदन मानिए, पिछवाड़ा तोड़वा दूंगा मैं। एक सेकंड मर्यादित बात करें हम, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई ना, अभी फौज भेज दूंगा। देखे अमीश भाई, ऐसे बदतमीज इंसान को ना लाया कीजिए,
सामने होता मंच पे तो जूते में खिला देता मैं। एक सेकंड, मैं विषय मैं रखना चाहता हूं। बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन माजिद हैदरी साहब, अगर आपने वैक्सीन, एक सेकंड मर्यादित बात करें हम, हैदरी साहब अगर आपने वैक्सीन लगवाई होती तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात ना करते। वसीम रिजवी कह रहा हूं, मिर्ज़ा ही कह रहा हूं, ये मुसलमान होने का ड्रामा करता है इस मंच पे। ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट आपने देंगे ना, कौन सा मुसलमान जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन मुसलमान है, कौन सच्चा मुसलमान नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते ना। वो हिंदू भाइयों का कैसे होगा? ये व्यक्ति अपने धर्म का नहीं है, ये व्यक्ति अपने धर्म का नहीं, इस्लाम का नहीं, मुसलमान का नहीं, ना हो तो है ना। नहीं, जो उन्होंने गलत बोला मैंने उनको टोका, जब मुझे लग गई, लेकिन आप सभी नहीं, ये वसीम रिजवी है। जाहिल, देखो मैं गाली गलौज के लिए नहीं आया हूँ, चलो गाली बस बंद करो मिर्ज़ाई। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं विषयांतर हो रहा है। ओके ओके, महंत नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी और अनिरुद्ध आचार्य जी, देखिए दो महंत है हमारे साथ है, तो मेरा निवेदन है सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। और रशीदी साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं महंत नवल किशोर दास जी आपके आपसे पूछता हूँ, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्या आपको लगता नहीं है संवैधानिक दायरे में अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, लेकिन तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा? तो मौलाना कहते हैं कि अगर यह सब कुछ है, चलिए धर्म परिवर्तन तो अलग बात है, लेकिन यह क्यों? एक काउंटर पॉइंट आता है। नहीं नहीं, आखिर सोचो, पाकिस्तान जब बना था तो हिंदुओं की संख्या कितनी थी, आज कितनी है? बांग्लादेश में हिंदू कहां है, रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पर यह तो हिंदुस्तान है, इसके साथ क्या हो रहा है? तो आप चाहते हैं हिंदुस्तान में भी हो क्या? आप चाहते हैं हिंदुस्तान में हो क्या? हम हिंदू समाज को, जनता, यहाँ की जनता को जागृत कर रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। कश्मीर में से हिंदू क्यों भगाए गए, बांग्लादेश से क्यों भगाए गए, पाकिस्तान से क्यों भगाए गए? यदि ये लोग उन लोगों को सम्मान देते तो हमें ये बात नहीं कहना पड़ती। ठीक है, जवाब ले लेते। आज हमें लगता है कि जब तक इस्लाम के इतने देश हैं तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम संविधान के दायरे में रहकर ही बनाएंगे, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को मैं, हमें अपनी जनता से कहने का अधिकार है कि नहीं? संविधान के दायरे में हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। ठीक है मौलाना, कि आप सब एकजुट हो जाइए, जातवाद क्षेत्रवाद व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्र के लिए काम करिए। महंत नवल किशोर दास की बात का जवाब, अपने आप हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। अमीश, एक चीज सुन लीजिए। जी दूंगा, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की सबको इजाजत है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब आदमी ये कहे, धर्म को छोड़कर राष्ट्र की बात करने लगे कि तुम मुझे, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप बताइए PFI पर बैन क्यों लगा? इसीलिए तो लगा कि वो इसको इस्लामिक स्टेट बनाना नहीं, चाहते वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था भाई, पर बैन क्यों लगा? वो बंदूक के दम पर ही कराना चाहता था। सुन लीजिए मेरे भाई, ये तो बजरंगबली के आगे अर्जी लगा रहे थे। मैं बताता हूं, सुनिए, मैं बताता हूं ना, ये गलत तुलना है। अरे सुनिए ना, देखो लॉजिकल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। सवाल कर लिया, सुनिए मेरी बात, लॉजिकल क्यों नहीं है? जब बजरंग दल के लोग, अरे संत महाराज जी सुनिए, जब बजरंग दल के लोग फेसबुक पर कट्टे और पिस्तौल बेचना शुरू कर दें, जब ये लोग ये कहें कि चाकू तेज रखो गर्दन काटने के काम आएगा, जब बागेश्वर धाम ये कहें कि बुलडोजर खरीदो मकान तोड़ने के काम आएगा, तो ये क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? देख लिए, सब में हथियार, ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है? किसी भी मस्जिद में देख लिए, आतंकवादी गतिविधि नहीं है क्या? निकलेंगे हमारे यहाँ कहीं नहीं ऐसा है। कोई किशोर जी, कार्यकर्ता कानून, नवल किशोर जी मैं चैलेंज करता हूँ, सुनिए, कोई मेरा कार्यकर्ता, नवल किशोर जी मैं चैलेंज करता हूँ, बात नहीं करता है, सुनिए, आत्मरक्षा करना तो हमारा अधिकार है, करो, बीच में मत बोला करो। पर कोई बोलने की बीमारी अच्छी नहीं है, उससे बचने का अधिकार हमें दोगे कि नहीं दोगे भैया? अच्छा, क्या तरीका है मेरे भाई, ये क्या तरीका बोलने का? वो अपनी बात रखने दो, अपनी तरीका तो ठीक है, अपनी बात। हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाइए, क्या हमें बोलने नहीं दोगे? अरे बोल ही रहे, जब हिंदू राष्ट्र बनोगे, बना लोगे, तब मत बोलने बन जाएगा, देना आप साथ आ जाइए, बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, आप आ जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, आइए तो किसी मस्जिद में हथियार दिखा दीजिए, एक मस्जिद में हथियार दिखा दीजिए। अरे कोई मदरसा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोई मदरसा देख लो, झूठी मत बोला करो, किसी मदरसे में हथियार दिखा दीजिए, आइए, मैं मदरसे के लिए भी चैलेंज करता हूँ।
अच्छा मैं मदरसे के लिए भी चैलेंज करता हूं। ठीक है, एक मदरसे में हथियार दिखा दीजिए, पुलिस क्यों नहीं जाने देता? अच्छा ठीक है, एक एक रिजवान 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 कुछ कहना चाह रहे हैं, देन देन माजिद हैदरी एंड अनिरुद्ध जी भी वेट कर रहे हैं।